है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो प्योर बेंडिंग ऑफ बीम में हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है, इसमें हमसे कह रहा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम 2 सेंटीमीटर वाइड बाई 4 सेंटीमीटर हाई। यानी बीम है सिंपली सपोर्टेड, जिसकी विड्थ और हाइट दी गई है। यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये 2 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस बीम का क्रॉस सेक्शन बनाएं तो इसका जो क्रॉस सेक्शन बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बीम का क्रॉस सेक्शन बनेगा। इसकी जो विड्थ है ये 2 सेंटीमीटर है, कह रहा है 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर हाई, तो जिसको डी या एच से डिनोट करते हैं हम लोग, एंड 1.5 मीटर लॉन्ग। तो इस बीम की जो लेंथ है, बीम की जो लेंथ है ये कितना है, ये 1.5 मीटर। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब दोनों एंड पे सपोर्ट है और लेंथ इसका है 1.5 मीटर। तो ये बीम बन गया। बीम को हमने यहाँ पे एक लाइन से ही डिनोट किया है, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन को नहीं बनाया है। वैसे ये मैं थोड़ा सा इसकी हाइट को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लेते हैं बीम है, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाया है, थोड़ा सा बड़ा बनाया है। तो आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम 2 सेंटीमीटर वाइड 4 सेंटीमीटर हाई एंड 1.5 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू अ कंसनट्रेटेड लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन। यानी इस बीम पे एक पॉइंट लोड है। कंसनट्रेटेड लोड का मतलब होता है पॉइंट लोड, जो वर्टिकल एक्ट करता है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है बीम पे। कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एट अ पॉइंट 0.5 मीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द सपोर्ट्स। यानी इन दोनों सपोर्ट्स, मान लीजिए सपोर्ट ये ए है और ये सपोर्ट बी है, तो किसी एक सपोर्ट से 0.5 मीटर पे, तो हम ये मान लेते हैं कि जो लोड हमारा एक्ट कर रहा है 2 किलो न्यूटन, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, पॉइंट ए से 0.5 मीटर डिस्टेंस पे। क्योंकि कह रहा है फ्रॉम अ सपोर्ट, वन ऑफ द सपोर्ट, मतलब किसी एक सपोर्ट से 0.5 मीटर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, 0.5 मीटर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो जो दूसरी डिस्टेंस होगी वो कितना होगी, ये डिस्टेंस 1 मीटर बचेगा, कितना बचेगा 1 मीटर, और लोड कितना है 2 किलो न्यूटन। ये जो लोड एक्ट कर रहा है ये है 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन का ये लोड एक्ट कर रहा है यहाँ पे। यानी W है 2 किलो न्यूटन। थोड़ा सा इसको जब ऊपर कर दिया तो स्पेस कम हो गया, ये जो पॉइंट लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन है। इसको समझने की कोशिश करिएगा आप। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम फाइबर स्ट्रेस। मैक्सिमम फाइबर स्ट्रेस की जब बात करता है तो इसका मतलब हमसे पूछ रहा है सिग्मा मैक्स कितना होगा। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि सिग्मा मैक्स कितना होगा। देन सेकंड कह रहा है द स्ट्रेस इन अ फाइबर लोकेटेड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। यानी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, टॉप से 1 सेंटीमीटर नीचे। तो पहले हम लोग फर्स्ट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, फिर मैं आपको सेकंड समझाऊंगा। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है सिग्मा मैक्स। तो आप जानते हो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड जो होता है बी बाई टू कॉमा एच बाई टू पे होता है। ये इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, जो सेंट्रॉइडल एक्सिस होगा रेक्टेंगल का, यही क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस से जो टॉप फाइबर है ये डिस्टेंस कितना होता है, एच बाई टू होता है, एच बाई टू या डी बाई टू, और ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा डी बाई टू। तो इसका जो वाई मैक्स होगा वो क्या होगा, वाई मैक्स यही होगा फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टॉप मोस्ट फाइबर, यही डिस्टेंस हमारा क्या होगा, वाई मैक्स होगा। क्योंकि हमें जब मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करना है तो हमें इस टॉप फाइबर पे स्ट्रेस फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन क्या है, बेंडिंग इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया था फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया था सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई बाई आर। तो उसमें से हम लोग, यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई, ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं। तो जब हमारा ये सिग्मा मैक्स होगा तो वाई हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस हम लेंगे,
तो सिग्मा मैक्स के केस में। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिग्मा मैक्स को फाइंड करने के लिए एम आई और वाई इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एम क्या है, एम आपका है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इस केस में कितना होगा, ध्यान से समझिए, मैंने आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले बताए थे डिफरेंट बीम के केस में, कि अगर कोई बीम सिंपली सपोर्टेड है और उसके सेंटर पे लोड लगता है तो जो मैक्सिमम बेंडिंग होता है वो WL बाई 4 होता है। लेकिन एक केस मैंने आप लोगों को और बताया था कि अगर किसी बीम पे कोई पॉइंट लोड ऐड कर रहा है और वो सेंटर पे नहीं है, मतलब मैंने आपको जो केस बताया था इस तरफ ए डिस्टेंस इस तरफ बी मान लिया था, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होगा m इक्वल टू, ये कौन सा होगा, ये अलग अलग डिस्टेंस है, तो m इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था इस केस में जब बीम के सेंटर पे लोड नहीं ऐड कर रहा है, किसी अदर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। अगर ये सेंटर पे होता तो 1.5 के हाफ पे एक्ट करता, तो यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस है दोनों तरफ। तो यहाँ से हमारा, हम मान लेते हैं ए इक्वल टू 0.5 और बी इक्वल टू हमारा क्या है 1 मीटर, तो ये एम इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू दैट इज 2 किलो न्यूटन इंटू 0.5 इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी दैट इज 0.5 प्लस 1, या आप सीधे इसको डब्ल्यू ए प्लस बी को एल भी कह सकते हो, क्योंकि ए प्लस बी आपका ये 1.5 मीटर होगा। तो यहाँ से हमें एम मिल जाएगा दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.666 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि लेंथ मीटर में दिया गया है। लेकिन अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो क्रॉस सेक्शन किस में है, सेंटीमीटर में है, और ये हमारा किस में आया, मीटर में आया। तो अगर हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 10^2 कर दे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 66.6 किलो न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। अब ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में m। अब बात कर लेते हैं i, क्योंकि हमें i भी पता होना चाहिए। तो i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो बी डी क्यूब बाई 12 या फिर बी एच क्यूब बाई 12। डी यानी डेप्थ, एच मतलब हाइट, दोनों एक ही हैं। तो यहाँ से हमारा बी कितना है 2 सेंटीमीटर और डी कितना है 4, तो बी डी क्यूब बाई 12 इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ये आ जाएगा 10.67 सेंटीमीटर पावर 4। सेंटीमीटर क्यों, 2 हमारा सेंटीमीटर में है और 4 भी सेंटीमीटर में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ गया 10.67 सेंटीमीटर पावर 4। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई मैक्स। तो वाई मैक्स कितना होगा, तो वाई मैक्स जो होगा, मैं यहीं पर बगल में आपको बताता हूँ वाई मैक्स। तो वाई मैक्स हमारा, आप जानते हो, टॉप मोस्ट फाइबर की डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये होता है d/2 या फिर h/2 भी इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे d कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा मैक्स। तो ये हो जाएगा दियर फॉर फर्स्ट का सोल्यूशन, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू m अपॉन i इंटू वाई मैक्सिमम। तो यहाँ से m हम लोगों ने फाइंड किया है 66.6 अपॉन i, दैट इज 10.67 इंटू वाई मैक्स, वाई मैक्स इज 2 सेंटीमीटर। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो आया सिग्मा मैक्स, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ गया 12.48 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन क्यों, क्योंकि हमारा लोड किलो न्यूटन में था और डिस्टेंस सेंटीमीटर में। आप चाहो तो इसका यूनिट चेंज कर सकते हो, कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 12.48 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे तो 10^3 न्यूटन हो गया अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10^-2 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर किस में चेंज हो गया, मीटर स्क्वायर में। अब 10^-2 × 2 करेंगे तो 10^-4 हो जाएगा, और इसको अगर हम ऊपर लेके आएंगे तो +4 हो जाएगा, तो +4 ऊपर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू
इसको लिख सकते हैं 12.48 इंटू 10^7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में आपसे कहता है कि आंसर आप पास्कल में करिए, तो उस केस में कैसे कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल, 10^7 है, इसको मैं 6 में लेके आता हूँ। तो देखिए एक 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 124.8 और कितना बचेगा 10^6 और 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मेगा पास्कल। तो ये आ गया हमारा सिग्मा मैक्स, ये कितना आ गया 124.8 मेगा पास्कल, ये आ गया सिग्मा मैक्स। तो उम्मीद करता हूँ सिग्मा मैक्स आपके समझ में आया होगा। अब आइए सेकंड का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये तो सिग्मा मैक्स हो गया सेकंड सॉल्यूशन, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डिटरमाइन द स्ट्रेस इन अ फाइबर लोकेटेड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम एट मिड स्पैन। यानी हमें फाइंड करना है ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, समझिएगा ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसकी हाइट है, इसकी टोटल हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, विड्थ है 2 सेंटीमीटर और हमसे कह रहा है कि आप उस फाइबर पे, लेट सपोज ये आप टॉप से उस फाइबर पे फाइंड करिए जो कि टॉप से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, टॉप से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और न्यूट्रल एक्सिस इसका यहाँ पे है, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो कि आपका वाई मैक्स है, तो वाई मैक्स कितना है 2, अगर हम 2 से इस 1 को माइनस कर दें तो हमें ये फाइबर मिल जाएगा। तो इस फाइबर की डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है वाई है, तो ये वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई मैक्स माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है, इस फाइबर पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या है सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हमारा सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन आई इंटू वाई। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, एम ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है दैट इज 66.6 अपॉन आई फाइंड किया था 10.67 इंटू वाई 1। तो यहाँ से हम लोगों का जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा एट दिस सरफेस दैट इज 1 सेंटीमीटर बिलो द टॉप सरफेस, 1 सेंटीमीटर बिलो द टॉप फाइबर, 1 सेंटीमीटर बिलो द टॉप फाइबर, इस बात को समझिएगा क्योंकि इसी पे फोकस है। द स्ट्रेस इन अ फाइबर लोकेटेड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम एट मिड स्पैन। तो न्यूट्रल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड किया 1 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे और वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 6.24, आप लोग भी कैलकुलेट करिएगा 6.24 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार फिर से यूनिट कन्वर्ट करना सिखाते हैं आपको, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.24 किलो न्यूटन को 10^3 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10^-4 मीटर स्क्वायर। माइनस 4 क्यों, क्योंकि 10^-2 का स्क्वायर कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10^-2 से मल्टीप्लाई करते हैं और मीटर स्क्वायर है तो 10^-4 आ गया। तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 10^-4 ऊपर आएगा तो ये हो गया 6.24 इंटू 10^7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 62.4 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल क्यों लिख रहे हैं, मैं आपको यहाँ फार्मूला बताता हूँ, आपको फार्मूला बताता हूँ। जो आपका 1 पास्कल होता है ये होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 मेगा पास्कल जो होता है ये होता है 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको मेगा पास्कल में जब चेंज किया तो 10^6 को चेंज किया मेगा में, तो 1 10 यहाँ पे बचेगा वो 62.4 मेगा पास्कल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी,
इसमें एक ही प्रॉब्लम थी, लेकिन हम लोगों से दो चीज़ें पूछा गया था। एक तो जैसा पहले आप पढ़ते हुए आए हो, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बहुत ही आसान होता है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूले से हम लोगों ने फाइंड कर लिया, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 124.8 आ गया, एक आंसर हमारा यहाँ पे आया। और दूसरा हमें फाइंड करना था कि आप उस फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस बताइए जो टॉप फाइबर से 1 सेंटीमीटर बिलो है। तो हम लोगों ने वाई मैक्स में से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो हमें वो वाई की वो डिस्टेंस मिल गई जहाँ पे हमारा वो फाइबर है जिस पे हमें बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना था। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी लेक्चर्स होते हैं आपके लिए बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।